तो भैया हमारे रूम के बगल में ना एक किराना का दुकान था, और वहाँ पे जाता था मैं, सामान वगैरह लेता था। भैया ये सामान दे देना ज़रा। तो एक बार क्या हुआ कि मैं घर चला गया, उसके बाद जब आया तो मैं उसके दुकान पे गया तो देखा बदल गया है पूरा है, एक मार्केट सुपर मार्केट बना दिया है ससुरा, मिनी सुपर मार्केट। गए तो ये अंदर घुसे तो अब बोले पूछना का भैया दे, अब घुस के देखने लग का है अंदर। अब एक सामान लेने गए थे वो सुपर मार्केट बना दिया था, मिनी सुपर मार्केट। मान के चलो भैया 10 बाई 20 का उसका मतलब दुकान था पहले, लेकिन अब देखे भैया सुपर मिनी सुपर मार्केट बना दिया है वो। उसमें जो भी आपका लेना है भैया जाओ चूज करो, कौन सामान लेना है कौन सामान नहीं लेना है, उठा उठा के लाओ काउंटर पे रखो, भैया इतना सामान ले लिया हूँ बताओ कितना पैसा हुआ। मैंने कहा हाँ यार इसका दुकान था, इस ससुरा मिनी मार्केट बना दिया है ये तो। या देखो उस तरह हम लोग जाते थे तो हम लोगों का चॉइस बस एक कोनो चीज़ पता हो या है दे दे, लेकिन अब जाते हैं तो भैया वो अंदर घुसो तो हाँ यार है लेने आए थे, एक और ही कुछ भूल रहा है वो उठो ले चलो, कुछ और दिखाई दे दिया। मतलब तेल लेने गए थे तो भैया साबुन नहीं है और सरफ खत्म हो गया है, यहाँ है ये ले ले। तो भैया देखो एक देखो जितना भी आपका स्पेस है जगह है उसको ही चाहो तो भैया मिनी मार्केट की तरह बना सकते हो। मान लो कम से कम मान लो भैया 10 बाई 20 का तो स्पेस होना ही चाहिए इसमें। देखो अपने इलाके में देखो भैया खोलोगे ना तो देखो भैया मिनी मार्केट हो सकता है, बहुत सारे जगहों पे नहीं होता है सुपर मार्केट मिनी मार्केट। तो देखो भैया ये जो मिनी मार्केट है इसमें कस्टमर आएंगे तो उनका चॉइस होता है, एक सामान लेने आएंगे ना तो भैया उनको अंदर घुसेंगे तो 50 सामान याद पड़ेगा, हाँ है नहीं है हाउ नहीं है, तो इससे आपका सेल भी बढ़ेगा और कुछ नया रहेगा और कस्टमर आएंगे अपने तरीके से चूज कर सकते हैं और चूज करके ले जा सकते हैं। तो पहले हम जाता था तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन अब जाता हूँ तो भैया खुल के अब देखता हूँ क्या क्या है, एक सामान लेने गया तो कुछ और दिख गया तो वो भी ले लिए। तो देखो भैया मिनी मार्केट खोल सकते हो, अगर किराना दुकान खोलना चाहते हो तो भैया थोड़ा सा और बजट लगा के थोड़ा सा मिनी मार्केट बना दो तो भैया अच्छा रहेगा। तो मैंने उस आदमी को बोला भैया ये तो मस्त आपने बना दिया है, वो एकदम अपने दुकान को मिनी मार्केट बना दिया एकदम मस्त लग रहा है, अपना जाओ जो भी लेना भैया आराम से चूज करो, लेके आओ काउंटर पे पैसा दो चलते बनाओ। तो ये मिनी मार्केट का और जो बनाया हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला भैया चलो हमारे जो व्यूवर है हमारे भाई लोग हैं उनको भी बताना चाहिए। देखो भैया कहने कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस करना है तो बस उन लोगों को पता है कि भैया किराना दुकान है, उसके बाद कपड़ा की दुकान है, ऐसा दो चार मतलब बिजनेस है लोगों के दिमाग में आता है कि यही मतलब बिजनेस है सब। तो हमने सोचा भैया ये सब लोगों के दिमाग में ज़्यादा चलता है तो भैया बता दे थोड़ा, आप किराना दुकान खोलने के बजाय थोड़ा सा मिनी मार्केट खोल दो भैया, लोगों का अपना अपने पसंद से लेंगे सब सामान, सब ला के रखो आराम से, अच्छा खासा सेलिंग होगा। तो ये बताओ भैया आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, और ये जो यदि आप मिनी मार्केट खोलोगे तो भैया नया होगा और कहीं भी कोई भी कस्टमर कहीं लेता होगा तो वो भी कहेगा भैया चलो तभी घूम लिया जाए वहाँ पे, तो इससे आपके पास कस्टमर आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे धीरे धीरे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और साथ में भैया पहली बार आए हो हमारा यूट्यूब चैनल पे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना जिससे हमारी जो वीडियो होगी आप लोगों को मिल जाएगी।